11 सूत्री मांगों को लेकर के अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। मांग में वेतनमान व ग्रेड पे लेवल संशोधन, वर्तमान में राजस्थान प्रदेश लैब टेक्नीशियंस कर्मियों को शिक्षण व तकनीकी योग्यता 10+ विज्ञान के साथ डिप्लोमा भत्ता, संशोधन में भत्ता, हाई ड्यूटी भत्ता, राज्य में संचालित पैरामेडिकल संस्थानों व नए खुलने वाले पैरामेडिकल संस्थानों में ट्वेटर के पद सृजित किए जाएं। वहीं राम मीणा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है। जी बताएं, आपकी क्या मांगे, कब से आपका धरना चल रहा है और क्या आप आदेश मंत्री जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हम 2013 ANM GNM नर्सिंग भर्ती से हैं। पिछले 9 साल से लगातार धरने पे धरना कर रहे हैं। हमने यूपी तक भी धरना किया है, वहाँ से हमें आश्वासन दे के बुला लिया था। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कॉल किया था कि आप आ जाओ, आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। इनके आला अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया है। CM साहब को गुमराह कर रहे हैं लगातार। हम CM साहब से कह रहे हैं कि हमें फिर से धरना करने की नौबत आ गई है। पहले भी सुभाष जी गर्ग मंत्री जी ने हमारा लड़कियों ने अनशन किया था, तो अनशन तुड़वाया था कि आपकी भर्ती हम पूरी करेंगे, पूरा आश्वासन दिया था। लेकिन ये मंत्री लोग हैं, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, बेरोजगारों के साथ खेल खेलते हैं। ANM लड़कियां, GNM भाई बहन सब ओवर एज हो चुके हैं। 9 साल से 2013 से ये भर्ती पेंडिंग पड़ी है, भाजपा के काटे हुए पद हैं, लेकिन इन्होंने फिर से सर्जित किए थे। CM साहब ने बोला था मैं ये भर्ती पूरी करूंगा और अभी तक कुछ नहीं है। हम धरने पे धरना कर रहे हैं, सब लड़कियां ओवर एज हो चुकी है, अब आगे भी कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इतने ही साल ये नौकरी करेंगी तो हमें दे क्यों नहीं देते। हाथ जोड़ने में नम्र निवेदन है CM साहब से कि हमारी ये भर्ती इसी बजट में पूरी कर दी जाए। परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम है अनिता कुमारी और यहाँ सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।